student appeared in six paper. The maximum marks are the same for each paper. सारे पेपर के लिए मैक्सिमम मार्क्स इनका फिक्स है. His marks in these paper are in the proportion, यहाँ पे उनके अलग अलग पेपर का जो रेशियो है मार्क्स का दिए गए हैं. ओवरऑल ही स्कोर 60%, टोटल इसको 60% अगर मार्क्स मिलता है तो कह रहा है कि कितने पेपर हैं जिसमें उसको 60% से कम मार्क्स मिला हुआ है. चलिए यहाँ पे पहला की पॉइंट है कि जो मैक्सिमम मार्क्स सबका है वो फिक्स है. तो हम यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स एज्यूम कर लेते हैं. आप यहाँ पे वेरिएबल भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई फिक्स नंबर भी एज्यूम कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए मैक्सिमम मार्क्स 100 एज्यूम कर लेते हैं. तो लेट मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच पेपर बी 100. तो फॉर सिक्स पेपर, छह पेपर के लिए टोटल मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा 600. अब 600 में टोटल इसने स्कोर किया हुआ है 60%, तो टोटल इसका मार्क्स जो होगा वो कितना हो जाएगा. टोटल मार्क्स ही ऑब्टेन्ड ये हो जाएगा 600 का 60%. और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 360, यानी उसके टोटल मार्क्स 360. अब अगर हम इनके अलग अलग पेपर के मार्क्स लिखें तो ये रेशियो में दिया हुआ है इसलिए रेशियो के साथ आपको वेरिएबल लगाना होगा. इसलिए हम इनके मार्क्स अलग अलग पेपर के लिख सकते हैं 5x, 6x, 7x, 8x, 9x और 10x. और ये सारे अलग अलग पेपर के मार्क्स हैं जिनको ऐड करने के बाद टोटल इसके मार्क्स होने चाहिए, मतलब 360 के बराबर होना चाहिए. इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 45x इक्वल टू 360, मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 8. अब x की वैल्यू 8 होगी तो इनके इंडिविजुअल मार्क्स कितने हो जाएंगे. इसमें हो जाएगा 40 मार्क्स, ये 48 और ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 80. इतने इसके मार्क्स अलग अलग पेपर में आए हुए हैं. अब यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि कितने ऐसे पेपर हैं जिसमें उसके मार्क्स 60% से कम है. तो 60% मतलब 60 मार्क्स हो गया. तो 60 मार्क्स से कम यहाँ पे है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. मीन्स देयर आर थ्री डिफरेंट पेपर्स इन विच ही स्कोर लेस देन 60% एंड इन थ्री पेपर्स हिज मार्क्स आर मोर देन 60%. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, मीन्स थ्री. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. We again meet in next video with certain other problems. Thank you.